सब्सक्राइब कीजिए शिवानी की रसोई चैनल को और बेल आइकन को दबाइए न्यू रेसिपी सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी, स्वागत है आपका शिवानी की रसोई में। आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला पॉपकॉर्न। ये पॉपकॉर्न बिल्कुल मार्केट जैसा बनता है और 5 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। और आज मैं कुकर में आप लोगों को पॉपकॉर्न की रेसिपी बताने जा रही हूँ, तो आप लोग एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। मसाला पॉपकॉर्न बनाने के लिए यहाँ पे हम लिए हैं 1 कटोरी मकई के दाने। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच प्लेन नमक और 4 बड़े चम्मच से तेल। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम कुकर में बना रहे हैं, तो कुकर को हम गर्म कर लिए हैं अच्छे से। अब इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे, क्योंकि हम जितना पॉपकॉर्न लिए हैं उसको हम 2 बार में बनाएंगे, 1 बार में नहीं बनाएंगे। अगर 1 बार में सारा बना लेंगे तो वो अच्छे से फूटेगा नहीं, पॉपकॉर्न अच्छे से पक नहीं पाएगा। तो अब हम इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। हल्दी पाउडर बस हम कलर के लिए डाल रहे हैं, अगर आपको डालने का मन हो तो डालें, नहीं तो नहीं भी डाल सकते। हम आपको हल्दी पाउडर दिखाना भूल गए थे। तो हम 1/2 चम्मच इसमें डाल रहे हैं लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल रहे हैं, और उसके बाद हम टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें काला नमक भी डाल दिए हैं। और अब हम इसमें डाल देते हैं ये चाट मसाला। चाट मसाला से ये पॉपकॉर्न बहुत ही चटपटा बनेगा। तो अब हम इसमें 1 कटोरी हम पॉपकॉर्न मकई लिए थे, तो इसमें हम 1/2 ही कटोरी डालेंगे, आधा फिर हम बाद में बनाएंगे। तो इन सभी को अच्छे से मिक्स करके हम 1 मिनट तक भून लेंगे। अच्छे से मिक्स कर दिए हैं इसको हम, ये आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। तो 1 मिनट हो चुका है, अब हम इसमें ढक्कन लगा देंगे। तो कुकर के ढक्कन में से हम सीटी बस निकालेंगे। रबर आप रहने भी दे सकते हैं या निकालने का मन तो निकाल भी सकते हैं, पर रबर से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस हम सीटी निकाल रहे हैं, सीटी निकाल के ढक्कन को कर देंगे बंद। और इसको बस 3 मिनट तक हमें पकाना है, ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। लो मीडियम फ्लेम पर हम इसको 3 मिनट तक पकाएंगे। तो 3 मिनट हो चुका है, अब हम आपको कुकर का ढक्कन खोल के दिखाते हैं। ये अच्छे से सारे जो मकई के दाने थे वो अच्छे से फूल चुके हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर भी आया, और अच्छे से मकई के दाने जो हैं, 1-2 दाना बच गया है, बाकी सारा जो है अच्छे से पक चुका है। आप देख सकते हैं कितना खिला खिला ये बना है। तो अब हम इसको 1 बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, चटपटा सा मसाला पॉपकॉर्न बनके तैयार है। जब भी हम कोई मूवी या मैच देखते हैं तो पॉपकॉर्न खाने का मन करता है, तो आप लोग बड़े आसानी से इसको बना के खा सकते हैं घर पे ही, और कम टाइम में भी बन जाता है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी और चटपटा लगता है। तो आप लोग एक बार इस तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से लाऊँगी, तब तक के लिए बाय।